गम प्रभु ये कह रहा है कि इसने नंदी की अति सुंदर मूर्ति बनाई है। आ, नंदी की मूर्ति अगम नंदी और तुम्हारा पिछले जन्म का बैर है क्या? हमेशा लड़ते रहते हो। वाह प्रभु आपने तो बहुत सुंदर मोदक बनाए हैं। आपके बनाए मोदक को देखकर पेट में मूषक दौड़ने लगे हैं प्रभु। पेट में मूषक? किंतु मूषक यहाँ है। वही तो प्रभु, भूख के मूषक लाज शर्म छोड़ के पेट से बाहर आ गए हैं। कुछ कीजिए प्रभु। यहाँ पास में ही गौतम ऋषि का आश्रम है, मुझे लगता है वहाँ हमें भोजन मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। जब सुगंध इतनी उत्तम है तो भोजन कितना उत्तम होगा। प्रणाम गुरु माँ। अरे बाल गणेश आप कहिए कैसे आना हुआ। माते भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्षमा प्रभु, मैं भोजन नहीं बल्कि प्रसाद बना रही हूँ जो पूजा के पश्चात ही मिल सकता है। यदि आप मुझे समय दें तो पूजा के पश्चात मैं कुछ बना देती हूँ। किंतु माते मुझे और मेरे मित्रों को बहुत तेज भूख लगी है, प्रतीक्षा संभव नहीं। तब तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अरे याद आया माते, ऋषिवर ने आपको बाहर बुलाया है, भूख की वजह से मैं आपको बताना ही भूल गया। अच्छा उन्होंने मुझे बुलाया है, परंतु वो तो ध्यान में थे। चलो चलो जल्दी भोजन उठाओ और निकलो यहाँ से। किंतु प्रभु ये तो। नंदी जी ये तो वो तो बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऋषिवर तो ध्यान में है पर बाल गणेश ने तो हे भगवान ये सही नहीं किया आपने बाल गणेश। ये कैसा ध्यान है आपका ऋषिवर, यहाँ आपकी पत्नी को एक बालक छल कर चला गया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा क्या हो गया अहिल्या जो आपने मेरा ध्यान भंग कर दिया। शिव पार्वती पुत्र बाल गणेश और उनके साथ ही आए थे। बाल गणेश की शैतानियां बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। ओम नमः स्वाहा। वाह प्रभु गुरु माँ के हाथों में तो जादू है। इसलिए तो हम ये सब बिना पूछे ले आए। हाँ किंतु प्रभु हमें गुरु माँ की आज्ञा से ही ये भोजन लाना चाहिए था। क्यों हम अपनी माँ के साथ भी तो ऐसा ही करते हैं। माँ के साथ ऐसी शैतानी अपराध नहीं होती नंदी जी। नहीं प्रभु मेरे विचार से नंदी जी सही कह रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ये भोज।
तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गौतम ऋषि ने तुम्हारे सरों पर तलवार रख दी हो। गुरु पिता आप? उच्च कोटि का ज्ञान रखने के बाद भी आपने चोरी की? नहीं गुरु पिता, ये चोरी नहीं, माता के साथ शरारत है। जो भी है बाल गणेश, ये कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, वो भी आपकी माता के हाथों। अब क्या होगा? माँ पार्वती को इसके बारे में पता चला तो हम सब तो गए काम से। नहीं ऋषिवर, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, मेरा बाल गणेश कभी चोरी नहीं कर सकता। आप जगत जननी है माँ, आप स्वयं ज्ञात कर लीजिए कि हम सच कह रहे हैं या झूठ। ऐसा है तो हम अपने पुत्र के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषिवर, और हम वचन देते हैं आपको कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। यही मैं चाहता हूँ माँ, प्रणाम। माँ वो खेलते खेलते भूख लग गई थी तो, किंतु मैंने गुरु माँ से पूछा था, उन्होंने नहीं दिया तो। उन्होंने नहीं दिया तो तुम चोरी करोगे? नहीं माँ, ये चोरी नहीं, गुरु माँ से टिठोली थी। बस बाल गणेश, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी जिसके बाद तुम भूल कर भी कभी कोई शैतानी नहीं करोगे। मुझे क्यों बांध रही हैं आप? कुछ देर यहाँ रहोगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। नहीं माँ, मुझे यहाँ मत छोड़ो, क्षमा कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ खोलो ना, माँ माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ, माते प्रभु को छोड़ दीजिए माते, उनके अपराध के हम भी हिस्सेदार हैं। जानती हूँ तुम सबकी संगत से ही मेरा बाल गणेश बिगड़ा है, अवश्य तुम सब ने ही उसे चोरी के लिए उकसाया होगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गला सूख रहा है, पानी। पानी माँ? तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें। यहाँ तो कोई नहीं, ये मृग मरीच का थी या फिर कुछ और था? माँ मोदक दो ना। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे हर जगह बाल गणेश क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ माँ? मुझे बांध कर आप दुखी है ना? इसीलिए बार बार मुझे देखने आ रही है कि मैं कुशल हूँ कि नहीं, है ना? बाल गणेश, तुम ये कौन सा छल कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो? ये छल नहीं है माँ, यही सत्य है, मैं कण कण में हूँ। बात को घुमाओ मत बाल गणेश, बताओ मुझे सच क्या है? सच समझने के लिए आपको मुझे खोलना होगा माँ।
ज्ञात था कि मेरा पुत्र प्रकर्मी है, परंतु इतना बड़ा प्रकर्मी, यह मैंने अभी जाना। नहीं माँ, पुत्र कभी अपनी जननी से बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरा आधार है माँ। वो घड़ी बहुत शुभ थी जब तुमने अहिल्या की कुटिया से भोग चुराया। ऐसा नहीं होता तो मैं अपने पुत्र का ये सृष्टि रूप कभी नहीं देख पाती। अब चलो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं मोदक परोसती हूँ। तुम सब ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ, तुम सब भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। लो, फिर मक्खन लगाना शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे बाल गणेश, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। आप आ गए स्वामी। प्रसाद। रानी इंदुमती, हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम जैसे रूपवान पति को छोड़कर आपका मन इस मोटी तोंद और लंबी नाक वाले में कैसे लगता है। हम राजा चित्रंगद है, हमारे जैसा कोई रूपवान राजन मैं। हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में। हे बाल गणेश, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। आओ 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 आओ। सही कहा अगम, नंदी को जब देखो तब गुस्सा आ जाता है। कितना गुस्सैल है वो, और गुस्से में उसकी शक्ल एकदम भयानक हो जाती है। अरे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएं उसकी डरावनी शक्ल देखकर। क्या? अरे नहीं, अकेले नहीं, हम दोनों मिलके नंदी को ऐसा सबक सिखाएंगे वो रोज हमें इसी तरह से मालिश करेगा। अरे सेवक, इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे। क्या तुम्हारे शरीर में नंदी की आत्मा आ गई है क्या? नंदी तुम नहीं, वो तो हम तो। मैं डराने की चीज हूँ? अब तुम दोनों को डराता हूँ मैं। रुक, तेरा निकालता हूँ। अरे नंदी, क्या हुआ तुम्हें? इतने चिंतित क्यों हो? क्या फिर से तुम्हें अगम और बगम ने परेशान किया? नहीं प्रभु, अगम और बगम से मैं परेशान नहीं हूँ। इनको ठीक करना मुझे आता है। मैं परेशान हूँ राजा चित्रंगद से। प्रभु, वो हमेशा आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु। आपको तो पता ही है रानी इंदुमती आपकी कितनी बड़ी भक्त है। शांत नंदी, शांत। राजा चित्रंगद का रूप ही उसे धर्म संकट में डाल देगा। Oh,
कौन है? सामने आओ। यो, मैं सामने आ गई। बोलो। वो मैं शिकार यहाँ फंस गया। महल जाने का रास्ता बताएंगी आप? राजा चित्रंगद हो ना तुम, रूप के धनवान। सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूँ, फिर हम दोनों मिलके शिकार करेंगे और गुम होने की समस्या ही खत्म, क्योंकि ये जंगल मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी गुलाम है। ये तो राक्षसनी का जंगल है और महाराज तो अंदर घोर जंगल में चले गए हैं। हमें रानी को बताना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे पति को राक्षसनी ने? नहीं, नहीं, मुझे प्रभु से मदद मांगनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुरुमदेव। ओहो प्रभु, ये श्लोक कितने कठिन हैं। मूषक, श्लोक कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कठिन है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरे नंदी, क्या हुआ? राजा चित्रंगद को राक्षसनी ने पकड़ लिया है और उससे विवाह करना चाहती है, और यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। आखिर राजा के इस रूपवान शरीर ने उसे धर्म संकट में डाल ही दिया। चलो मूषक, आज की पढ़ाई खत्म, चलो आज उस राक्षसिनी को पाठ पढ़ाते हैं। मान जाओ राजा, शादी कर लो मुझसे, वरना ये दिल तुम्हें मार डालेगा और फिर लोग मुझे ही बदनाम करेंगे कि मैंने तुम्हें मारा। बड़ी जल्दी है तुम्हें विवाह करने की राक्षसिनी। तुम लोग कौन हो? अच्छा, पंडित हो, मेरी शादी करवाने आए हो। राक्षसिनी, राजा को छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे? मुझसे तो दुनिया डरती है और तुम मुझे डराने चले हो। मत भूलो, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज है, यहाँ की पत्तियाँ भी मेरी दासी हैं। चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने करने आया हूँ। पकड़ लो इन सबको और मार डालो। देखा तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया मैंने? तुम्हारी इच्छा तो बहुत हो रही होगी मुझे मारने की, मुझे डराने की। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मुझे मारो, मुझे डराओ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं राक्षसिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। क्या 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 तथास्तु? डराने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती।
मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाओ और वापस कभी मत आना। बाल गणेश, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सौंदर्य में इतना पागल हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु, मैंने आपको भी भला बुरा कहा। मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। बाल गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पति की जान बचाई। बाल गणेश, मैं हमेशा रानी को टोकता था आपकी पूजा करने से, लेकिन आज इसकी श्रद्धा की वजह से ही मेरी जान बची है। आज के बाद सिर्फ रानी ही नहीं, रोज हम दोनों आपकी पूजा करेंगे। राजा, मुझे खुशी है कि अब तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड नहीं है। तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप तुम आज सकुशल निकल पाए हो। रुक जा गम, पिछली बार क्या हुआ था तुझे याद है ना? अगर नंदी को फिर से गुस्सा आ गया तो तुझे ऐसी मार मारेगा कि तू जो टूटा फूटा बोलता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तुझे मजा आ रहा है? अरे मजा सजा में बदल जाएगी यार। मुझे सामने आए यहाँ नीचे हा? नीचे वो गलती से आपको लग गई, क्षमा करें। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मूषक, तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। चंचलासुर, चंचलासुर नाम है मेरा, और तूने मुझे जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है मूर्ख। मैं तुझे यही मार दूंगा। चंचलासुर। अरे ये भी कोई नाम हुआ, चंचलासुर। तेरा ये दुस्साहस, तू है कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, शुरुआत तुमसे ही करता हूँ और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार के कैलाश पर राज करूँगा। चंचलासुर, पहले मुझसे तो निपट, फिर मेरे पिता के पास जाना। अरे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पहले अपनी ताकत और मेरी ताकत तो देख। देखा मेरी ताकत का पराक्रम? चंचलासुर, अगर यही ताकत तुम लोगों की भलाई में लगाते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तू मेरा उद्धार करेगा? मारो मारो,
मेरी अंतर इच्छा है कि तुम मुझे मारो। चंचला अरे रे, रे। क्या क्या हुआ चंचला? तू तो गया। चंचला सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। जिंदा हूँ तब तक कोई बाल गणेश को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक तो है बाल गणेश? नंदी, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। प्रभु मुझे नीचे उतारिए। आओ मुशक, आओ। प्रभु बहुत भूख लगी है, चलो ना घर जाके माँ के हाथों के मोदक खाएं। मोदक? चलो। अरे मेरे लिए रुको। अरे अगम, कितनी बार कहा है नंदी को गुस्सा मत दिला, पर तू मेरी बात सुनता कहा है? अब लटके रहो यहाँ पर। क्या ऐसी बोल रहा है? बोलो बाल गणेश जी, बचाओ हमें। महादेव, प्रभु, नंदी जो कह रहा है क्या वो सत्य है? आपने सत्य सुना है पार्वती, हम सभी मिनास पर्वत पर रहने जा रहे हैं। कारण?
क्या है इसका कारण? कारण है ऋषि दर्शन को दिया हुआ वचन। वचन? कैसा वचन पिताजी? दर्शन ऋषि और उनके साथी गुरुजनों को लगता है कि हमारे यहाँ होने से वक्रासुर उन पर और ऋषिगणों पर आक्रमण करता है, उनके तप में बाधाएं डालता है। इसी कारण उन्होंने मुझसे यहाँ से चले जाने का वचन लिया है। ये क्या बात हुई? ये तो भक्षक के बजाय रक्षक को ही दंड देना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना होगा। माँ, आप ये सब छोड़िए और मेरे पेट पर ध्यान दीजिए। मोदक खिलाइए जल्दी से, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा? कौन सी यात्रा? मिनस पर्वत पर घर बनाना है तो उचित स्थान खोजने जाना होगा ना माँ, है ना पिताजी? तुम बड़े नटखट और शरारती हो गए हो बाल गणेश। ये तो कुछ नहीं पिताजी, असली शरारत तो अभी बाकी है। बाल गणेश, आजकल तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो, अब किस शरारत की बात कर रहे हो तुम? बच्चों की अपनी कुछ गुप्त बातें होती है पार्वती, जो गुप्त रहे तो अच्छा। क्यों गणेश? जाओ पुत्र, कार्य में सफल हो। भैया, मिनस पर्वत पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक मजेदार उपाय है, क्यों ना हम सब वहां दौड़कर पहुंचे? जैसा तुम कहो छोटे, मैं तैयार हूँ। तो तय हुआ, मैं और तुम अपने अपने वाहनों पर जाएंगे, बाकी सब अपना हिसाब किताब देख ले। मेरे विचार से ये निर्णय उचित नहीं है प्रभु, सब थक जाएंगे। ये दो बातें बोल रहा है, पहली ये कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, दूसरी ये कि नंदी इतना आलसी क्यों है। जी मत चुराओ नंदी महाराज, दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। काम हो गया? जी प्रभु। बहुत अच्छे। एक, दो और तीन। भैया, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा छोटे, इस स्थान की खूबसूरती जल्दी इतिहास में लिखने जाने वाली है। माँ सही कह रही थी, तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो। नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कौन है छोटे? इस तरह आने वाला और घूर के देखने वाला दोस्त तो नहीं होगा, परंतु शत्रु अवश्य हो सकता है। शत्रु? क्या इन्हें पता नहीं जो हमसे टकराता है टूट पड़ो। सहायता करो प्रभु। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे। अरे वाह, ऐसे भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है? लड़ाई ताकत और घमंड से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है दोस्तों। छछंदरों से जीत कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है बाल गणेश। तुम्हें क्या लगा बाल गणेश, मैं तुम्हें मीनस पर्वत की गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने दूंगा? कदापि नहीं, वो सारी सिद्धियां अब मेरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा वक्रासुर, किंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगे। अर्थात? अर्थात ये असुर राज, मीनस पर्वत पर कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है,
मैंने ऐसा खेल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खेला था। पहेलियाँ मत बुझाओ गणेश, साफ साफ बोलो। तो सुनो बकरासुर, मैंने ही मूषक राज के हाथों दर्शन ऋषि को ये बात पहुँचाई थी कि मीनस पर्वत पर अद्भुत शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे पता था ये सुनकर तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब आ गए हो तो अपनी गलती की क्षमा मांग लो और लौट जाओ। क्षमा? और मैं? वो भी तुमसे? तुम सबको तो मैं चींटियों की तरह मसल दूंगा। आक्रमण! आक्रमण की तैयारी करो। रुक जाइए प्रभु, क्या आप हमें एक और अवसर नहीं देंगे? मैं वचन देता हूँ, इस बार युद्ध में हम बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप इनसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। वैसे भी मेरा और भैया का भी आराम करने का मन है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या बोल रहा है बग्गम? मुझे लगता है ये तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। तो इसे भी अकल आ ही गई। देख क्या रहे हो तुम सब? आक्रमण करो, मार डालो सबको। सिर्फ वाहन नंदी, वाहन का काम अपने मालिक को सैर करवाना होता है, लड़ना नहीं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, किंतु साक्षात यम के स्वरूप महादेव के वाहन नंदी से नहीं। तुम ठीक तो हो? बहुत हुआ बच्चों का खेल। यदि हिम्मत है तो तुम दोनों भाई मुझसे लड़ो। दोनों से लड़ने की क्या आवश्यकता है राक्षस राज, मुझसे ही लड़के देख लो। तो आ, मुझे मार और जीत, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ साथ तेरे भाई, मित्रों, पिता महादेव और माँ पार्वती सबको अपने पैरों से कुचलकर मार डालूंगा। आ, मार मुझे। क्या हुआ वक्रासुर भाई? तू तो गया। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। क्या छोटे, इस बार भी तुमने मुझे राक्षस को मारने का मौका नहीं दिया। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बस माँ से कुछ मत कहना। मुझसे कुछ छुपाकर तुम जाओगे कहाँ बाल गणेश? माँ को अपनी संतान के बारे में सब पता चल जाता है, ऐसी जान मुश्किल में डालने की क्या आवश्यकता थी? माँ कान छोड़ो ना, उखड़ जाएगा। अपने अपराध की हम क्षमा मांगते हैं महादेव। हम गलती कर बैठे थे जो अपने रक्षक प्रभु के बजाय भक्षक राक्षस की बातों में आ गए। ये तो बाल गणेश है जिन्होंने हमारे हाथों पाप होने से रोक लिया। एक बात हमेशा याद रखिए ऋषिवर, लोमड़ी, सांप और बुरे व्यक्ति का कभी विश्वास मत कीजिए। अवसर मिलते ही ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं बाल गणेश। बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय!
प्रभु ऊपर देखिए वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। अब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। मोदक। मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूँ माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद है। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मन भावन नटकट, मूषक गण सब भागे सरपट।
शक गण सब भागे सरपट विघ्न विनायक संकट मोचन वक्र तुंड कजरारे लोचन झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन गणेश ये क्या हो रहा है शोर मत मचाओ तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा जो आज्ञा माँ और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन प्रणाम आचार्य चिरंजीवी भव मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ क्षमा करे ऋषिवर वो योग साधना में लीन है आप उनके दर्शन नहीं कर सकते मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ उनके दर्शन करना अति आवश्यक है उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं आप फिर कभी पधारिए तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा यह असंभव है मुनिवर अरे नादान बालक तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें घोर अपमान आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में आगे मत बढ़िए बहुत साहसी है ना तू बालक अब मेरा प्रहार सहन कर प्रभु ये तो शिवजी का परशु है
परशुराम। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी, और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। असुर राज, वही रुक जाओ कटकासुर। जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं, उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुर राज, ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? कानासुर, सिंहासुर, क्या है? तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोकों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। जो आज्ञा सुराज। जो मेरे असुरों की ऐसी हालत करे। असुरराज, आप आज्ञा दें तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं टनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है, जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज, हो सकता है कि क्षमा। असुरराज, क्षमा की आवश्यकता नहीं है टनकासुर, हमारे अस्त्र शास्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ
यानी सृष्टि का अंत। अर्थात? आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतेय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम? प्रभु, अग्गम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतनी स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुव स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषि जन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अगम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुर राज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती, अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज, तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तथास्तु। Ah!
अभी भी समय है विघ्नासुर। यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम वसुरराज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं, नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है, किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है।